में मंगलवार की दोपहर में हुई भारी बारिश से नदी नाले और पुलिया उफान पर है। तहसील के नांदा से छतरपुर के बीच में बामनवारी नाला भी उफान पर होने से पुलिया की ऊपरी सतह से पानी बह रहा है। ऐसे में छतरपुर से नांदा की ओर 8 लोगों को लेकर आ रही स्कॉर्पियो पुलिया पार करते समय पानी के तेज बहाव में नीचे गिर गई, जिससे गाड़ी में सवार सभी लोगों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में महिलाओं और बच्चों का भी समावेश था। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के नांदा से छतरपुर की ओर से मुलताई का परिवार स्कॉर्पियो गाड़ी से जा रहा था। गाड़ी में मुलताई निवासी का परिवार सवार था। सूत्रों के मुताबिक ये परिवार नांदा में अपने समधी सुरेश ढोके के यहाँ आया हुआ था। यहाँ पर खाना खाने के बाद वापस जाते समय बामनवारी नाला पुलिया से ऊपर तक पानी बह रहा था। ऐसे में स्कॉर्पियो चालक ने पुलिया पर गाड़ी डाल दी। सुरक्षा दीवार नहीं होने से पानी के तेज बहाव में गाड़ी बहकर पुलिया से नीचे गिर गई। देखते ही देखते गाड़ी में सवार लोग गाड़ी सहित पानी में डूब गए। इस घटना की जानकारी ग्रामवासियों सहित कैलोद पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक अमित कुमार आतराम को दी गई। सूचना मिलते ही ग्रामवासी और पुलिस पूरे दलबल और गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची। बारिश कम होने के बाद पुलिया का पानी कम होने के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई दी तथा उसमें सवार लोगों के शव गाड़ी में लटके हुए दिखाई दिए। रेस्क्यू टीम भी कार्य में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद महिला और बच्चे समेत 3 लोगों के शव बाहर निकालने में टीम को कामयाबी मिली। अन्य शवों की तलाश जारी है। इस घटना में वाहन चालक सह कुल 6 लोग गाड़ी में सवार होने की जानकारी मिल रही है। बाकी VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट।